हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैक्ट डॉट इन के ऊपर। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का दिन था और देखे तो निफ्टी 159 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लगातार दूसरे दिन भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी देखे तो 760 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ये 5 मिनट का चार्ट आज कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। जो हमने लेवल्स मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता आज, क्योंकि आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन लेवल के नीचे जो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट का लेवल था उसी के बीच ये निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ और टूवर्ड साउथ की तरफ एक स्लगिश मोमेंटम हमें देखने को मिला। शुरुआती 1 घंटे में तो तेजी आई थी, बाद में उसके बाद एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें पूरे दिन भर देखने को मिली। तो जो कल लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता। कल की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, कल या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो ये बिकवाली आई है, अगर हम FII और DII की एक्टिविटी देखें तो 18 सितंबर जब ये न्यूज़ आई थी इंडिया और कनाडा के बीच में थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बयान दे दिया था, तो उसके बाद से ये FII की हमें ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। जो 164 यानी 100 के बीच में फिगर था वो 1000 के बीच में चला चला गया है। तो यहाँ पर आज देखे सॉरी कल देखे तो DII ने भी यहाँ पर एक बिकवाली की थी। तो जब दोनों भी इंस्टीट्यूशंस बिकवाली करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल का जो सिग्नल होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। ये डे वाइज था, और अगर हम यहाँ पर मंथ वाइज देखें तो अगस्त और सितंबर में देख सकते हैं आप FII ने लगातार यहाँ पर बिकवाली ही की है। तो यहाँ पर ऊपरी लेवल पे हमें साफ तौर पे 20,000 के आसपास एक साफ तौर पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो कल आपको याद होगा, कल का वीडियो आपने देखा होगा, तो यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज़ किया था। तो भाई करेक्शन आता है तो कहाँ पर सपोर्ट आ सकता है, तो आप ये देख सकते हैं 38.2% के लेवल के पास ही ओपन हुआ और लो देखिए कहाँ पर बनाया आज का 50% का, जहाँ पर लेवल आ रहा था उसी के पास ही है, इसने लो बनाया है। तो ट्रेंड रिवर्सल के 50% और 61.8% ये दो मेजर लेवल्स होते हैं। तो देखते हैं कल अगर ये जो पिंक लाइन है 20 DMA का लाइन है, इसके ऊपर अगर आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लेके बाय की पोजिशन बना सकते हैं। अदरवाइज से दूसरे तौर पर देखें तो 50% का ये जो लेवल है 19,700, ये अगर ब्रेक होता है इसके नीचे आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो निफ्टी हमें 19,600 के पास आता हुआ देखने को मिल सकता है, जहाँ पर ये 61.8% का रेशो आ रहा है। तो ये लेवल से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलते हैं अभी 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। अभी आज का अगर ये आर्ली चार्ट देखे तो 100 EMA का ये जो लाइन था जिसकी हम सपोर्ट की बात कर रहे थे ये ब्रेक हो चुका है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा एक पैटर्न होता है, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे तो आपको पता होगा 100 EMA ये जो ग्रे लाइन है इसके ऊपर जब 20 और 50 EMA का निगेटिव क्रॉस ओवर होता है, यानी पिंक लाइन ब्लू लाइन को नीचे की तरफ काटता है, तभी एक प्राइस एक्शन में बाउंस बैक आता है। तो ऐसा जब पैटर्न बनता है हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक आता है प्राइस एक्शन में। तो कल देखते हैं क्या यहाँ पर बाउंस बैक आता है या नहीं। तो कल के लिए फिलहाल हमारा ब्रेकडाउन तो बनेगा आज का लो के नीचे, 19,706 ब्रेकडाउन होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा 19,678 का और सेकेंड टारगेट बनेगा 19,657 का। ऊपर की तरफ बाउंस बैक आता है एज पर जो पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है उसकी बात करें तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, ये जो रेड कैंडल है आप देख सकते हैं इसका हाई टूटा नहीं है, इसके हाई और लो के बीच में ही लगातार 3 घंटे इसने क्लोज दिया है। तो ये रेड कैंडल का हाई 19,761 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा 19,784 और सेकेंड टारगेट होगा 19,805, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हुआ था सेकेंड टारगेट के पास, शुरू में कोई ट्रेड नहीं बना, ऊपर आया ब्रेकडाउन लेवल के पास एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर, और यहाँ से जो ये नीचे गया वन वे टूवर्ड साउथ की तरफ हमें ट्रेंड देखने को मिला। अगर आप हमारे बैंक निफ्टी के चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
तो चलते 60 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। यहाँ पर भी सेम पैटर्न बना हुआ है, 100 ईएमए के ऊपर 20 और 50 का नेगेटिव क्रॉसओवर बना है, नीचे की तरफ 20 ईएमए 50 ईएमए को काट रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर भी एक बाउंस बैक देखने को मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था कुछ दिनों पहले, तो उसी लेवल के पास ही आके यहाँ पर आज इसने क्लोज दिया है। तो जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करता है जो लेवल, वो आगे जाके हो सकता है सपोर्ट का काम करे, तो काफ़ी क्रूशल लेवल पे है। देखते हैं कल बाउंस बैक आता है या नहीं। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा आज के लो के नीचे 44568, ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा 44463 और सेकंड टारगेट होगा 44363, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा ये जो लास्ट का स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है उसका हाई के ऊपर 44761 ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 44832 और सेकंड टारगेट होगा हमारा 44917, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पर कॉल करना है हमें, ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके।